Hey my YouTube family, I hope you guys are doing well. Welcome back to my channel. मैं हूँ सुपर स्पीकर बलविंदर कौर, आपकी ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट. गाइस, आज की मेरी वीडियो स्कॉर्पियो लवर्स को डेडिकेटेड है, क्योंकि आज मैं स्कॉर्पियो गड्डी के बारे गल करांगी. इस वक्त मेरे दिल और जहन में सिर्फ एक ही बात आ रही है, वो है परे हो जा सोनिए, साडी स्कॉर्पियो गड्डी आई. स्कॉर्पियो लवर्स इंडिया की पॉपुलर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो को काफी टाइम से टेस्टिंग करते हुए नजर आ रही है. तो ये तो कंफर्म्ड है कि नई स्कॉर्पियो फीचर्स ओवरलोडेड कार होने वाली है, नो डाउट. स्कॉर्पियो को नया लुक दिया जाएगा, जिससे स्कॉर्पियो इंडिया मार्केट में एक बोल्ड एंड माचो अवतार में देखने को मिलेगी. इसका डिजाइन बॉडी लुक पहले से कई ज्यादा स्पॉटियर एंड पावरफुल होने वाला है. महिंद्रा काफी समय से इसकी टेस्टिंग कर रही है और इसलिए उम्मीद है कि 2022 स्कॉर्पियो में कुछ तो नया दिखाई देने वाला है. एंड इस कार को 15 अगस्त को रिवील किया जाएगा. स्कॉर्पियो के दीवानों, आई नो कि आप पिछले एक साल से स्कॉर्पियो का वेट कर रहे हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो न्यू मॉडल की लॉन्चिंग 2021 में ही होनी थी, लेकिन XUV700 SUV को लॉन्च कर दिया गया इंडिया मार्केट में, और इस रीजन से स्कॉर्पियो की लॉन्चिंग डेट को पोस्टपोन कर दिया गया. इसलिए अगर आप असली मायने में स्कॉर्पियो के दीवाने हैं तो आप थोड़ा और इंतजार कर सकते हो. इंटरनेट इमेजेस अभी ज्यादा कुछ रिवील नहीं कर रही है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि इन रियलिटीज की बॉडी फेस लुक काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, जो कि लॉन्च में पता लग जाएगा. तो मैं सब कुछ डिस्कस करूंगी, इंक्लूडिंग न्यू फीचर्स, बॉडी लुक, डिजाइन, प्राइस एटसेट्रा. तो स्कॉर्पियो लवर्स, विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं इंडिया की बेस्ट लुकिंग, डैशिंग एंड आपकी फेवरेट एसयूवी स्कॉर्पियो न्यू जनरेशन के बारे में. स्कॉर्पियो को लॉन्च करने की चर्चा काफी समय से चल रही थी और इस एसयूवी की डिमांड भी इंडिया मार्केट में काफी ज्यादा है. तो इसको कंसीडर करते हुए महिंद्रा अपनी दो गाड़ियों को एक साथ कुछ टाइम पहले टेस्टिंग कर रही थी. इसमें एक तो एसयूवी XUV700 थी और दूसरी गाड़ी थी महिंद्रा की न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो. तो महिंद्रा ने अपनी नई गाड़ी XUV700 SUV को इंडिया मार्केट में लॉन्च कर दिया है, लेकिन अब बारी आती है स्कॉर्पियो की. तो महिंद्रा अभी करेंटली XUV700 SUV की सेल्स रिव्यू कर रही है, एंड अगर पैरेलली स्कॉर्पियो न्यू जनरेशन कार को लॉन्च कर दिया जाता है तो XUV700 SUV का क्या होगा? फिर तो XUV700 SUV की वैल्यू इंडिया मार्केट में डेटोरेट हो जाएगी. तो इसलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी अपनी न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो को 2022 के अंदर लॉन्च करेगी, जिसमें आपको नए साल के साथ नई जनरेशन स्कॉर्पियो देखने को मिलने वाली है. इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स डिस्कस करेंगे. टू गेट ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. गाइस, स्कॉर्पियो के फीचर्स फर्स्ट इन सेगमेंट होने वाले हैं एंड इस वजह से इसकी बुकिंग टाइम मिनिमम 1 ईयर होने वाला है. सबसे पहले इसके लुक्स एंड डिजाइन की बात करते हैं, तो आने वाली नई स्कॉर्पियो बिल्कुल बोल्ड क्वालिटी में अवेलेबल होगी. ये एक गुड लुकिंग कार होने वाली है और इसकी पूरी बॉडी लैडर ऑन प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, जो कि महिंद्रा का थर्ड जनरेशन मॉडिफाइड प्लेटफॉर्म है. और अब महिंद्रा की जितनी भी अपकमिंग गाड़ियां हैं वो भी इसी प्लेटफॉर्म पर बिल्ट होंगी. थोड़ा आगे बढ़ते हैं और डायमेंशंस की बात करें तो इसकी लेंथ थोड़ी इन्हांस की जाएगी, सो दैट थर्ड रो के पैसेंजर्स को ज्यादा स्पेस मिल पाए. एंड इसके फ्रंट लुक में बिल्कुल ही न्यू महिंद्रा के लोगों के साथ न्यू फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगा. इसमें आपको न्यू DRLs अवेलेबल होंगे और नीचे की तरफ न्यू बम्पर के साथ फॉग लैम्प की न्यू हाउसिंग देखने को मिलने वाली है. इसके अलावा फ्रंट एंड रियर SUVS स्किड प्लेट एंड रियर में न्यू टेल लाइट, बेस मॉडल में नॉर्मल एंटीना, ORVM विद टर्न इंडिकेटर एंड 4 टायर्स के साथ डिस्प्ले देखने को मिलेगा. सबसे सिग्निफिकेंट फीचर जो यहाँ अवेलेबल होगा वो है इसके सनरूफ का ऑप्शन, लेकिन वो लार्ज पैनोरामिक सनरूफ नहीं होगा एंड टायर के साथ R18 inch अलॉय व्हील का ऑप्शन अवेलेबल होगा एक्सटीरियर लुक के परस्पेक्टिव से. इसमें डुअल टोन एंड मोनोटोन कलर के ऑप्शन भी मिल जाएंगे. सो गाइज, इतने सारे पटोला फीचर्स के साथ अपकमिंग न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो मस्कुलर लुक में देखने को मिलेगी. स्कॉर्पियो लवर्स, अब इसके इंजन पावर की बात करें तो इसमें आपको डीजल इंजन के साथ पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन देखने को मिलने वाला है. पेट्रोल इंजन में 2 लीटर इंजन अवेलेबल होगा, जो कि 150 BHP की पावर जनरेट करेगा. वही डीजल इंजन की बात करें तो वो होगा 2.2 लीटर डीजल इंजन, जो कि 170 BHP की पावर जनरेट करने में सक्षम होगा. एंड ये दोनों इंजन 6-speed मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन में अवेलेबल होंगे. तो इस इंजन के साथ स्कॉर्पियो न्यू जनरेशन अपने सेगमेंट में काफी टॉप में देखने को मिलने वाली है. ये एसयूवी फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ 70% फोर व्हील ड्राइव के ऑप्शन में भी देखने को मिलेगी. 70% इसलिए क्योंकि अभी तक महिंद्रा स्कॉर्पियो सिर्फ फ्रंट व्हील के ऑप्शन में ही आती थी. बट नाउ अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, अपकमिंग स्कॉर्पियो फोर व्हील ड्राइव के ऑप्शन में भी देखने को मिलेगी. वेल,
डू यू थिंक कि एसयूवी फोर व्हील ड्राइव के ऑप्शन में भी अवेलेबल होगी? अपने थॉट्स मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर शेयर कीजिएगा। ये एसयूवी मल्टीपल ड्राइविंग मोड के साथ मल्टी ट्रैक्शन मोड के ऑप्शन में भी नजर आने वाली है। स्कॉर्पियो लवर्स और आगे बढ़ते हैं और अब इसके इंटीरियर्स की बात कर लेते हैं। तो अपकमिंग स्कॉर्पियो न्यू जनरेशन के इंटीरियर को पहले से कई ज्यादा प्रीमियम लुक के साथ इसको अपडेट किया जाएगा। इसके इंटीरियर में फ्रंट में 10 इंच का इन्फो टच स्क्रीन डिस्प्ले, जिसमें कनेक्टिविटी एंड कन्वीनियंस के एडवांस्ड फीचर्स, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स को सपोर्ट करने वाली है। इसके अलावा इंटीरियर्स में न्यू सॉफ्ट टच डैशबोर्ड के साथ स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा, जिसमें महिंद्रा का नया लोगो नजर आएगा और स्टीयरिंग के साथ ही पूरा म्यूजिक कंट्रोल देखने को मिलने वाला है। और ये सिस्टम ओनली टॉप वेरिएंट में ही प्रोवाइड किया जाएगा। स्कॉर्पियो लवर्स, टू रीइटरेट, ऑल्दो मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था कि इसमें बॉडी ऑन लैडर प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, जो कि महिंद्रा का थर्ड जनरेशन मॉडिफाइड प्लेटफॉर्म है। इफ आप इसका बेस मॉडल परचेज करते हैं तो ना ही उसमें टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलेगा और ना ही स्टीयरिंग के साथ कोई कंट्रोल देखने को मिलेगा। साथ ही इसके इंटीरियर में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर, सनरूफ का ऑप्शन भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा फोन चार्जिंग के लिए मिल जाता है वायरलेस मोबाइल फोन चार्जिंग, सीट के साथ मिल जाता है हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स ऑप्शन, 6-way हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एयर प्यूरिफायर, फ्रंट एंड रियर सीट विद आर्म रेस्ट, लार्ज बूट स्पेस जैसे फीचर्स इसके इंटीरियर में अवेलेबल होंगे। स्कॉर्पियो लवर्स, सेफ्टी इज अ प्रोमिनेंट थिंग दैट वी लुक फॉर। तो सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें स्टेन स्टील बॉडी देखने को मिलेगी, इसके साथ 7 एयरबैग्स विद साइड कर्टन एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, लेन कीपिंग असिस्टेंस एंड 4 टायर्स के साथ डिस्क ब्रेक अवेलेबल होगा, मल्टी एंगल व्यू रिवर्स, पार्किंग कैमरा एंड स्टीयरिंग के साथ क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन अवेलेबल होगा एंड फर्दर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम। एंड क्योंकि ये स्कॉर्पियो है तो अफोर्डिंग के परस्पेक्टिव से ये गाड़ी सबसे आगे रहती है, तो इसमें हील होल्ड असिस्ट का भी सिस्टम अवेलेबल होगा। मूविंग फर्दर, इसमें सीट बेल्ट रिमाइंडर विद प्रोटेंशनल जैसे सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल होंगे। स्कॉर्पियो लवर, एट लास्ट इसके लॉन्च डेट और प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो इसको 2022 के दौरान लॉन्च किया जाएगा और इस गाड़ी की प्राइस 11 लाख से स्टार्ट होकर 16 लाख तक में इंडिया मार्केट में देखने को मिलने वाली है। तो स्कॉर्पियो लवर्स, अपनी प्यारी और दुलारी गाड़ी स्कॉर्पियो के लॉन्च का वेट जरूर करिएगा इसको अपने और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए खरीदने के लिए। अगर आप भी स्कॉर्पियो का वेट कर रहे हैं तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा। गाइस, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आगे आप मुझे किस कंटेंट पे वीडियो बनाते हुए देखना चाहते हो। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं जल्द ही मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लेटेस्ट ऑटोमोबाइल अपडेट्स के लिए देखते रहें अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर स्पीकर बलविंदर कौर को। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।